मेरा छोटा बेबी है, मेरा छोटा बेबी है, झूमेंगे नाचेंगे गुनगुनाएंगे, हाय छोटा बेबी है, हाय छोटा। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी खाती हूँ, अभी बात ओए प्लेट खा रही है, ये इतनी ज्यादा तेज हो गई है, मैं आपको क्या बताऊँ, पल पल का ध्यान रखना पड़ रहा है। वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। और आज मतलब रात को मैं इधर ही सोई, छोटे रूम में सोई, मैंने कहा जब साफ किया तो थोड़ा इसके मजे ले लूं, प्लस उस रूम का एसी ठीक होने के लिए क्या हुआ, तो मैं इसी रूम में सो गई। अभी उठी हूँ, चाय पी, चाय की चुस्की के साथ इसकी भी चुस्की ले ली हूँ, लेकिन रात को तंग नहीं किया मुझे। अब उठ के बदमाशियां कर रही है, तो अभी मैं इनको घुमाने के लिए लेके जाती हूँ। ये रही मेरी चाय, आजकल एक कप में मेरे को मिल रही है चाय। यहाँ पे इनका बेड लगाया हुआ था मैंने ऑलरेडी, यहाँ पे सोई है छुटकी। भाई साहब ये क्या चीज है, ओए तू ठीक काबू में आएगी कि नहीं अविनाश के आने तक, तू क्या करने वाली है पहले मुझे बता। मैं सोच रही हूँ एक दिन ना मैं कहीं निकल जाऊँ और अविनाश को इसको अनाज का वाले कर दू ना, पागल हो गया ना वो क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये हर दो घंटे के बाद और शैतान हो जाती है। कैंडी भी पूरे जोश में है, पीटने गए चाल कैंडी तो रहा ना, ये कैंडी मेरी बेटी चाय कैंडी कैंडी फर्स्ट टाइम खेल रही है। अब का भागी, अब का भागी, भागी 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 मार कैंडी, हर्ट नहीं कर रही इसको, लेकिन पूरा ड्रामा चल रहा है। अब बोल क्या करेगी, इतनी चलाकी वो तेरी माँ है वो। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। आज है दिल्ली का मेरा सेकंड डे, कल तो मैं निकल ही जाऊंगा, और अभी सब लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, यहाँ पर घमासान मचा हुआ है एकदम बराबर कल जैसा, कल से ज्यादा ही हो चुका है। और ये रहे पापा, हेलो गुड मॉर्निंग, ये रहे मेरी मम्मी नाइटी में, बोल रही थी मुझे मत लेना मैंने ले लिया। गुड मॉर्निंग, ये रहा प्रतीक, प्रतीक ने आज मेरा एक स्केच बनाया है बहुत टाइम लगा के, ये तो कोई और ही प्रतीक ने बनाया है, स्केच दिखाओ मेरा वाला, ये मेरा स्केच बनाया है जब मैं जब इंसान बंदर हुआ करते थे, ये मेरा स्केच बनाया है, ये मैं ऐसा लिखता हूँ, ऐसा लिखता हूँ। ये रामन, हेलो गुड मॉर्निंग, आदि गुड मॉर्निंग, अर्णव, ये रही निशा और दीदी, दूर है दूर है, पासपोर्ट साइज फोटो खिंचाने के खड़े हुए हैं, वो जाते हैं शादी से पहले फोटो खिंचाने स्टूडियो में। वापस आके ये हो रहा है, एक तरफ दूध पिया जा रहा है और एक तरफ पपीता खाया जा रहा है, और आज इस रूम की सफाई करूंगी और मीमान आपको दिखा देती हूँ कि एक लैंप लेके आई थी मैं आईकिया से, तो उसको भी लगवा रहे हैं। आज घर की जितनी भी चीजें हैं वो सब ठीक करा डालूंगी, कोई काम नहीं है मेरे पास करने के लिए, फ्रस्ट्रेशन देखो, आई थिंक आई एम फ्रस्ट्रेटेड। तो जी रात को मेरी फ्रेंड मेघा जो कि एक्टर है, उन्होंने कल रात को ये पार्सल मेरे घर पे भेजा है, और ये रात को इसमें से मैंने खोल के ना फेरेरो रोशर था वो चॉकलेट खा भी गई मैं, ओह माय गॉड, अखरोट अखरोट सब भेजा है यार, ये व्हाट इज दिस, ये भी भेजा है कुछ शुभ लाभ, अरे यार थैंक यू सो मच मेगा, इतना करने की जरूरत नहीं थी तुम्हें, और ये बच्चों के लिए ट्रीट भेजी है, तो ये स्टारबक्स का मग भी आया है, दिस इज सो क्यूट यार, ये देखो ढक्कन के साथ, और ये सारी बच्चों के लिए खिलौने ट्रीट्स कॉफी काजू बादाम ये सब, मेगा ये करने की जरूरत नहीं थी तुम्हें, क्यों की है इतना सारा सामान, मैं सोच चुकी थी आपको जब ये पार्सल आया मेरे पास, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई लव इट यार, चेरी पहले से तैयार है लेने के लिए, वो कहाँ गई, चेरी ने पहले से, ये देखो चेरी ने पहले से अपना वाला उठा लिया है कि मेरा है, ये आपका नहीं है बेटा, ये छोटा बेबी को मिलेगा ना, आप बड़ा वाला ले, ये वाला ले लेना, ये छोटा बेबी को दे दो ना, है ना, नहीं चेरू ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, उसको है कि मुझे यही चाहिए, अच्छा आप सिलेक्ट कर लो, ये है ये बॉल है और ये है, क्या चाहिए इन तीनों में से, क्या चाहिए, चलो ये आपका है, चलो जाओ दबाओ जाओ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पास में कहीं, क्योंकि आदि का बर्थडे है कुछ दिन के बाद, आदि को गिफ्ट में एक क्रिकेट बैट चाहिए, लेकिन एक आदमी को क्रिकेट बैट लेना है मुझे दिलाना है, और देख लो लोग कितने जा रहे हैं साथ में, एक पास में दो तीन चार पाँच और छठा भी आ रहा है, हम छह लोग एक क्रिकेट बैट लेने जा रहे हैं, ये है दुबे परिवार, आदि कौन सा बैट चाहिए, बैट हम सिर्फ एक आदमी के लिए ले गए थे, आदि के लिए, लेकिन आते आते देखो इसके पास भी बैट है,
इसके पास भी बैट है, इसके पास भी बैट है और इसके पास भी बैट है, तो ये चारों अपना बैट जो है मामा के ऊपर ट्राई करने वाले हैं। पास मैं कह रहा हूँ तुमने एक बैट ले लो ना, ड्रामा देख रही हो, एक बैट लेने गए थे, चार आदमी के चार बैट आए, चार लाए और कोई भी यहाँ खोलेगा नहीं, जैसे है वैसे ही पैक करके रखो, जाते हुए ले जाना अपने अपने घरों में खेल लेना, क्योंकि यहाँ हमारी टीवी है, फ्रिज है, ये बहुत सारी चीजें हैं, सब टूट जाएगी। ये लो थोड़ा थोड़ी शुरू उसके पीछे ये सब काम कराया मैंने, आई लव्ड इट, ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और घर की जितनी फूकी हुई लाइट है आज मैं सब ठीक करा डालूंगी, मैं इतने जोश में हूँ मैं सब ठीक करा डालूंगी, सबको बदल डालूंगी, क्या समझे, समझाए क्या। तो ये जी छोटा बेबी के लिए जो मेरी फ्रेंड ने भेजा है, तो देखते हैं छोटा बेबी, ओए छोटा बेबी तो बाहर छो रहा है, अभी छो रहा, उठेगा तो देंगे, छोटा बेबी अंदर छोड़ते हैं, अंदर छोएंगे, बाहर नहीं छोएंगे, अंदर छोएंगे, ठीक है, अंदर स्लीपी स्लीपी टाइम। नया टॉय मामा की फ्रेंड ने आपके लिए भेजा है, बाद में खेलेंगे, ठीक है। और ये सो के उठी है और इसको ये टॉय पसंद आ गया, लगी हुई है चबाने, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये लो खेलो आपके लिए। तो मैं आपको बता दूं कि टूटा नहीं, बाथरूम जी हमने सेट कर दिया है, रहा हम पूरा सेट कर लिए हैं बाथरूम, और बहुत अच्छा लग रहा है हमारे हिसाब से, और सही बनाए तो ये देखिए छेड़ी वेड़ी सब मंगवा के ऊपर की भी सफाई हमारी यहाँ कर रही हूँ, और एसी वापस लग गया है, तो आप ये सोच रहे हो कि अविनाश के आते तक ये सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, मजाक की बात नहीं है, इतना मेहनत, इतना कूड़ा, इतना कचरा, मतलब घिस घिस के मेरे हाथ घिस गए, पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन यहाँ से लाली दिखेगी आपको मेरे हाथों की। अब मैं लूंगी एक चाय का ब्रेक और फिर मिलूंगी, और छोटा बेबी को हमने आज, मतलब मैंने दूसरे रूम में किया हुआ है, क्योंकि इस रूम में आज इतनी सफाइयां हो रही हैं, अभी भी देख लो इस रूम की, यहाँ की सफाइयां तो सारी रहती हैं, लेकिन बाथरूम आज साफ हो गया है, और छोटा बेबी यहाँ पे आराम से छोई छोई कर रहा है, ये भी देखो रूम कितना अच्छा लग रहा है अभी, मतलब ऊपरी ऊपरी सफाई जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हटानी है, बाकी रूम एकदम क्लीन एंड क्लियर हो गया है। क्यों बुलाया तुमने मुझे, क्यों बुलाया, एक तो ऊपर बिठाऊं, मैं थक नहीं गई हूँ, मेरे को चाय नहीं चाहिए। तो चलो दोस्तों देख के आते हैं कि दीदी चाय बना रही है कि क्या कर रही है। दीदी चाय बना रही हो क्या? चाय बन रहा है जी, चाय बन रहा है, अदरक डली डले है, अच्छी सी बढ़िया सी चाय पिला दो दीदी, दीदी ने भी बड़ी मेहनत करी है जी। अरे तो ये भी लाइट खराब हो गई थी मेरी ना, बेड के पीछे की, वो भी ठीक करा ली मैंने, लगे हाथ सब कुछ करा लिया यार, बट एंड बाथरूम लुक सो नीट एंड क्लीन यार, मतलब दरवाजा वरवाजा सब अच्छी तरह से साफ किया है। दो बाथरूम में, हमारे बाथरूम में सीलन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है, मैं ऊपर से आ रही है, ऊपर से नीचे तक जा रही है, तो हमारी भी बीच में पड़ गई थी तो वो भी सील लिया। तो अब जो लोग धनतेरस पे दिवाली से पहले सफाइयां करते हैं कि यार एकदम चकाचक कर देंगे घर, वो मेरा दिवाली की बात हो रहा है, मतलब लोग पहले कर लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ी लाइफ में ना लेट हूँ, तो मैं लेट कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 7:30 और एक सिस्टर जो है वो घर जा चुकी थी, दूसरी को मैंने घर पे रोक लिया और मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैं अपने ससुराल आ गया हूँ, यानी कि संभावना के घर, और बस थोड़ी देर में ऊपर पहुँच रहा हूँ, फिर आप लोगों को मैं सबसे मिलाता हूँ। ये देखो शायद सामने से मिट्टी आ रही है, ये मिट्टी ही है। हैप्पी दिवाली, अभी दो ही दिन हुए हैं, बुआ ने बोला मिट्टी को खूब वीडियो बनाना, बस कर हो गया। हैप्पी दिवाली मम्मी, हैप्पी दिवाली, कैसे हो आप? हैप्पी दिवाली, आपको पता है ना दिवाली है, पता है ना दिवाली है, डॉली कुछ दिन बाद आएगी, मैं जाऊंगा ना फिर डॉली आएगी, क्योंकि कैंडी ने छोटे छोटे बच्चे दिए ना, छोटा वाला बच्चा दिया ना। और कैसे हो आप? अभी अभी मम्मी ने डब्बे की तरफ इशारा किया है कि मुझे मिठाई खानी है, काजू कतली, ये लो हैप्पी दिवाली। अरे वाह, टेस्ट आया है ना। मुझे अपने रूम का टूर कराने जा रही है, देखते हैं क्या है। चलो बुआ तो पहले आपका रूम दिखाई चुकी है। लाइट जलाओ। ओ माय गॉड, क्या बात है, टाइम टेबल, बुक्स, ओ मिठी।
ही बहुत अच्छा रूम है, क्यों स्टॉप कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो? बहुत अच्छा रूम है भाई, लोगों को देखने दो, बाकी बच्चों को इससे कितना इंस्पिरेशन मिलेगा कि अपने रूम को नीट एंड क्लीन कैसे रखें, अपने रूम का स्टडी टेबल कैसे बनाएं, टाइम टेबल लगा के रखें। ये तो आप बाकी स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन दे रहे हो, इसमें इतना वो करने की क्या बात है। ये देखो भाई, मिठी ने हैरी पॉटर पार्ट 1 पार्ट 2 खत्म कर दिया, पार्ट 3 चल रहा है, मुझसे भी बहुत आगे, मैंने तो अभी फर्स्ट पार्ट भी नहीं पढ़ा। कैसी बुक है? अच्छी है। मूवी देखी है? मूवी देखी है, मैं आलसी हूं ना, लेजी। पहले तो मैं पीछा करते करते यहां पोगो भी आ गया रूम देखने। हां 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 पोगो, हां पोगो, पोगो पोगो आ रहा है, तो अब मैं आपको मिलवा देता हूँ राखी भाभी से, जिन्होंने इतना लजीज खाना बनाया था अभी कि मैं हाथ चाटता रह गया और मैं ये ब्लॉग ही बना पाया कि हम खा क्या रहे। राखी भाभी के समान ने काफी ब्लॉग्स किए हैं, जिसमें से एक ब्लॉग जो है मेरा बहुत फेवरेट है, उन्होंने मेकओवर किया है संभावना का, वो आप लोग जरूर जाके देखना, बिकॉज भाभी जो है बहुत ही कमाल का मेकअप करती है, बहुत ही कमाल की मेकअप आर्टिस्ट है। इनका इंस्टाग्राम आप फॉलो कर सकते हो @crushmakeupbyraki, और ब्राइडल मेकअप के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये मेकअप में बहुत ही अच्छी है। भाभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार संभावना आएगी तो आप प्लीज उसको थोड़ा सा पुश करना कि वो मेकअप किया करे, मतलब एटलीस्ट डेली का जो लाइट मेकअप होता है वो किया करे, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं करती है, और ये मुझे प्रॉमिस कर रहे हो। और इसके साथ ही अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि कल मेरी फ्लाइट है बॉम्बे की, बॉम्बे जाके संभावना से मिलूंगा, छोटा बेबी से मिलूंगा। फिलहाल आप देखो कि छोटा बेबी और संभावना क्या कर रहे हैं। छोटा बेबी और मोटा बेबी, मेरा छोटा बेबी, ये जो इस समय आराम से है ना, इससे पहले इसने इसको इतना काटा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ए मेरा छोटा बेबी है, ए मेरा छोटा बेबी है, झूमेंगे नाचेंगे गुनगुनाएंगे, हाय छोटा बेबी है, हाय छोटा। तुझे अभी वो वाला सेक्शन साफ हो रहा है, मेरे दिल पकड़ के रखना जरा, लाओ ये लो। मेरे साथ ये देखो, वो भी वो वाली कैसे लेटी हुई है तू, ऐसा लग रहा है सारा काम तूने ही किया है। चलू मेरे सारा काम चलू ने किया है क्या? तो जी ये देख लो, ये है इस बल्ब का लुक, कितना अच्छा लग रहा है ना, ये देख लो, ये रात को ऐसा दिख रहा है। आ, ये वाला भी मैंने लगवा दिया, ये वाला भी ऐसा दिख रहा है, और काम होते 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 काफी काम हो गए हैं। तो ये छुटकी, एक बार मैं छुटकी को दोबारा दिखा देती हूँ, छुटकी अंदर सो चुकी है, ये रहा छुट्टू, छुट्टू बाबा अंदर सो गया है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ, और आपको मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। आज अभी भी काम खत्म नहीं हो रहा, लेकिन अब मैं सिर पे तेल लगाऊंगी, नहाऊंगी और सो जाऊंगी, और आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। ऐसे रह गया ना, वो एक होता है ना स्टाइल, वो भी निकल आया उसमें, मतलब कोशिश की है। और ये माँ अपनी बच्ची के पास आ चुकी है, जैसे ही इसकी माँ जाएगी तो ये माँ भी पीछे पीछे आ जाएगी।